आपसे पूछा जाए कि कोई एक चीज ऐसी बताओ जो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता हो। आप लोग शायद मेरे दोस्त, माँ बाप, नहीं भाई बहन, नहीं शायद भगवान, लेकिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो आपको करोड़पति बना देगा एक बार में, वो है आपका स्मार्टफोन। अब आप बोलोगे भाई चिढ़ा के आए हो क्या, स्मार्टफोन कोई दुख नहीं बनता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्या खाना पसंद है आप गूगल पर जाकर सर्च करते हो, किस टाइप की वीडियो देखनी है यूट्यूब पर जाकर देखते हो, क्या खाना ऑर्डर करवाना है, किस टाइप के कपड़े पसंद है, किस टाइप की न्यूज पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है आपको, किस टाइप का कंटेंट पसंद है, ये सब कुछ आप कहाँ करते हो, सिर्फ अपने फोन पे करते हो, आप किसी से पूछते नहीं हो। आपका स्मार्टफोन एग्जैक्टली आपको बता सकता है कि आपको क्या पसंद है, मतलब एक्यूरेसी इस तरफ की कि आपको क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, क्या सुनना पसंद है, क्या देखना पसंद है, किससे बात करना पसंद है, किस लोकेशन पे जाना पसंद है, किस टाइप की मूवीज पसंद है, किस टाइप के पॉलिटिकल व्यूज है, किस टाइप के रीजनल व्यूज है, अनगिनत, मतलब आप सोच नहीं सकते, वो उसको पता है। पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, एक स्पाईवेयर का नाम घूम रहा है जिसने बिल्कुल हड़कंप मचा रखा है। स्पाईवेयर का नाम है पेगासस। बेसिकली ये स्पाईवेयर निकला है इसराइल NSO ग्रुप से। स्पाईवेयर इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहो तो सिंपल एक चीज होती है, स्पाई मतलब जासूस और वेयर मतलब करने वाला, मतलब स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा जासूस सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन के अंदर घुस जाता है और आपके ऊपर पूरी निगरानी रखता है। वेल पेगासस इतना डेंजरस क्यों है, इतना हाइट में क्यों है, क्योंकि एक ऐसा स्पाईवेयर है, एक ऐसा वायरस है जो आपके कुछ किए बिना भी आपके फोन में घुस सकता है, मतलब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आपको कोई मिस कॉल आया उसके थ्रू जा सकता है, आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया उसके थ्रू जा सकता है, आपको आई मैसेज पे कोई लिंक आया उसके थ्रू जा सकता है, आपको नॉर्मल मैसेज के अंदर कोई लिंक आता है वहां से भी ये वायरस आपके फोन के अंदर घुस सकता है। और इसके अलावा आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एक्सटर्नल सोर्स से, उसके साथ ये चिपक के भी आपके फोन में आ सकता है। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना है, सतर्क रहें, सावधान रहे, ऐसी वाली आपको काफी ज्यादा मतलब सतर्क रहना है कि कहीं से भी ऐसा कोई लिंक आता है तो आप उसको एंटरटेन मत करो जब तक आपको पूरा पता ना हो कि ये लिंक का सोर्स असली है या नकली है। अमीर वाले फोन भी नहीं, गरीब वाले फोन भी नहीं, मिडिल क्लास वाले भी नहीं, सारे फोन इंपैक्टेड हैं। पेगासस एक बार घुस गया आपके फोन के अंदर तो क्या कर सकता है, आपका मैसेज रीड कर सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ चैट रीड कर सकता है, आपके व्हाट्सएप पे आपके मेल देख सकता है, आप क्या ब्राउज कर रहे हो वो देख सकता है, आपकी फोटोज देख सकता है, आपका मल्टीमीडिया, आपकी गैलरी सब कुछ देख सकता है। इसके अलावा आप कहां जाते हो, कहां पे कितनी देर रुके हो, किस टाइप का खाना खाते हो, किस टाइप के कपड़े पहनते हो, कहां घूमते हो, क्या मूवी देखते हो, क्या पॉलिटिकल व्यू रखते हो, ये सब कुछ वो ट्रेस कर सकता है आपके फोन के थ्रू। वो आपके फोन के अंदर आपके माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर सकता है, मतलब आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा फोन हो सुन रहा हो। वैसे क्या पता अभी मेरा फोन हमारी सारी बातें सुन रहा है और यहाँ पे कुछ कांड कर रही है मेरे फोन के अंदर। तो इससे पहले कांड हो जाए आप एक काम करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पे क्या करता है, ये आपके कैमरे को भी एक्टिवेट कर सकता है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बेडरूम में सो रहे हो, आप कहीं खा रहे हो, कहीं घूमने गए हो, वहां पे आपके कैमरे को ऑटोमेटिक एक्टिवेट करके ये रिकॉर्ड कर सकता है और आपकी फुटेज भी ले सकता है। आपको लगेगा ऐसा मजाक है, तो बता दूं आपको इंडिया में 300 प्लस नंबर्स हैक हो चुके हैं इस स्पाईवेयर के थ्रू, जिसमें 300 लोग बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिनमें से एक राहुल गांधी जी भी है, उनके साथ भी ये कांड हो चुका है। अब देखो पॉलिटिकली हम देखें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर ये स्पाईवेयर लोगों के फोन में जाके पता कर सकता है कि लोगों का व्यू क्या है, लोग किसको वोट देने वाले हैं, लोगों का परसेप्शन क्या है, तो यहाँ पे एक एक्यूरेसी निकल सकती है कि आने वाली सरकार किसकी होगी। बट स्टिल पेगासस काफी खतरनाक है, बिकॉज आपको पहली चीज पता नहीं चलता कि आया कहाँ से है, आप इसके साथ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आया कहाँ है, रखा कहाँ है। एंटीवायरस वाले एप्लीकेशंस भी इसको पकड़ नहीं पाते, बाईपास कर जाते हैं, मतलब उनको भी पता नहीं लगता और यहाँ पे वो भी फेल हो जाता है। और इसके साथ ये स्पाईवेयर आपके फोन को पूरा अपने कंट्रोल में ले लेता है, मतलब अंदर तक सिस्टम के अंदर घुस के ये उसको हैक कर सकता है और किसी भी चीज को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है। पर इसकी रीच कितनी है आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए ये इतना ज्यादा हाइप में है। तो ये थी थोड़ी बहुत डिटेल्स इस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वायरस करता कैसे है, किस तरीके से काम करता है और आपके फोन के अंदर क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। बचने का फिलहाल एक ही तरीका है कि पहली चीज जल्दी से ये नॉर्मल लोगों को टारगेट नहीं करता है, पहले हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करता है, तो हाई प्रोफाइल बनो ही मत, ज्यादा अमीर बनने की जरूरत नहीं है। बचने का तरीका यह है कि आप सिंपल कोई भी ऐसा अनऑथेंटिकेट लिंक आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है कि इसे क्लिक करो, ये क्लिक करो, शेयर करो, ये सारे काम आप मत करो। कोई भी ऐसे लिंक
लिंक पे क्लिक मत करो तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट सेफ हो, लेकिन जहाँ पे आपने ऐसी कोई एक्टिविटी करी तो स्पाइवेयर गया फोन के अंदर और बस वहाँ पे हो जाता है कांड। तो कांड से बच के रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें ये वीडियो उनके साथ शेयर करके। तब तक के लिए बाय बाय।